भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टो मेवात्मनीश्वरे भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टमेवात्मनीश्वरे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताया, वास्तव सत्व का संध्यान खोज कैसे मिल सकता है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, वास्तव सत्य का संधान कैसे मिल सकता है। प्रभुपाद जी ने बताया, सविशेष विग्रह भगवान ही वास्तव सत्य वस्तु है। जो एकमात्र सर्वकारण का कारण है, जो एकमात्र सर्वकारण का कारण है, जो ब्रह्म संहिता में बताया गया, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण। वास्तव सत्व स्वप्रकाश वस्तु है, वास्तव सत्व स्वप्रकाश है, जोर जबरदस्ती प्रकाश करना संभव नहीं, ये स्वप्रकाश वस्तु है। वास्तव सत्व स्वप्रकाश वस्तु है, ये अचेतन नहीं है। सर्व चेतन तमाम चेतनों का उत्स है, जो परम चेतन का वस्तु, जिसका बारे में उपनिषद में बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान। ये जो श्लोक बताया गया, अर्थात जितना सारे चेतन वस्तु है अनंत, इनके सोर्स है, उत्स है, ये भगवान जो परम सत्य वस्तु है, ये सर्व कारण कारणम वास्तव सत्व स्वप्रकाश, ये अचेतन नहीं है, परंतु स्वतः कर्तृत्व विशिष्ट, स्वतः स्वयं प्रकाशित होने वाले वस्तु हैं, वो अपने को प्रकाश करते हैं। हमारा जो जितना सारे मेटेरियल एक्सपीरियंस है, ये अभिज्ञता, मेरे जो एक्सपीरियंस प्रणाली आरोह पंथा के द्वारा वास्तव सत्व कभी मिलता नहीं। हमारा जो अभिज्ञता एक्सपीरियंस है, मेटेरियल एक्सपीरियंस, अभिज्ञता का जो प्रणाली है, ये आरोह पंथा है, ये आरोह पंथा के द्वारा वास्तव सत्व का संधान मिलना संभव नहीं। वास्तव सत्व कभी कोई थ्री डायमेंशन तृतीय माने वस्तु नहीं है। वास्तव सत्व वस्तु थर्ड डायमेंशन का अंतर्गत वस्तु नहीं है। जो कुछ चीज तृतीय मान अर्थात थ्री डायमेंशन का अंतर्गत है, इसका मीनिंग है,
ये नापने वाला वस्तु है, हम समझ लेंगे, नाप लेंगे। सो जो थर्ड डायमेंशन का अंतर्गत जो वस्तु है वो नापने वाला वस्तु है, वो दोज ऑल आर मेजरेबल ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों का भोग का वस्तु है, अधीन भोग्य वस्तु। जो नापा जाए, जो नापा जाए, नापने वाला जो वस्तु है ये माया है। जैसे सूरज भगवान को देखने के लिए, सूरज भगवान को देखने के लिए हमारा आंखों का ऊपर का पर्दा हटाना है। सूर्य भगवान को देखने के लिए हमारा आंखों का ऊपर जो पट्टी है पर्दा हटाना है। ठीक उसी मापिक वास्तव शत्रु वस्तु का धारणा करने के लिए हम लोग को अंतर्निहित अतीन्द्रिय शक्ति का उद्बोधन पर्यंत अपेक्षा करना उचित है। सूर्य भगवान जैसे देखने के लिए आंखों का पर का पट्टी पर्दा हटाना है, इसी मापिक वास्तव सत्व वस्तु का धारणा कंसेप्शन ग्रो करने के लिए हम लोग का अंतर्निहित अतीन्द्रिय शक्ति का उद्बोधन एक्सपोजर तप अपेक्षा करना है। रात्रि का समय में जैसे जोर जबरदस्ती सूरज भगवान को देखने का प्रयास प्रचेष्टा करे तो ये बेकार है। रात्रि काल में सूर्यों को जयरूप सहस वैद्युतिक संपन्न मेगावाट लाइट देकर प्रदीप का सहायता सूर्य देखने का प्रयास प्रचेष्टा ये वाकई ही पागलपंती है। और जब सूरज भगवान पूरब दिशा में उदित होते हैं, उस समय हमारा कोई लाइट फाइट कितना भी मेगावाट होना क्यों कोई जरूरी है नहीं। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान का जो रोशनी है, ये रोशनी के द्वारा हम तमाम दुनिया को देख सकते हैं। अपने को भी देख सकते हैं और सूरज भगवान को भी देख सकते हैं उन्हीं का रोशनी से। इसी मुताबिक वास्तव सत्व उसी रूप किसी प्रकार का हमारा सेंस ऑर्गन इंद्रियों जो ज्ञान हमारा सेंस ऑर्गन का जो ज्ञान है जिसके द्वारा प्राकृत जगत का कुछ समझा जाए इसी प्रकार हमारा सेंस ऑर्गन इंद्रियों जो ज्ञान का अभिज्ञता एक्सपीरियंस का ऊपर डिपेंड करने का जरूरी है नहीं। अनावृत सत्व जानने के लिए आवृत अवस्था वास्तव सत्व के स्वरूप अवगत हुआ जान। अनावृत स्वरूप परम सत्व का अनावृत स्वरूप जानने के लिए एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव का सहारा लेना जरूरी है।
श्री सदगुरु का मुखारविंद से अव्यवहित निरंतर अनइंटरप्टेड उपदेश वाणी शोभन करना है, नहीं तो किसी भी हालत से परम सत्य वस्तु को जाना नहीं जाए। विचार ये है, हमने बताया था ब्रह्मा जी शरणागत होकर जब प्रार्थना किए तभी परम सत्य वस्तु का प्रकाश हुआ, प्रकाश हो गया था, इसका पहले नहीं। हम काल चर्चा किया था जब अभी ब्रह्मा जी इतना तपस्या मंत्रों के द्वारा मंत्र जप तपस्या करने के बाद भगवान संतुष्ट होके उनको संतुष्ट होके उनको सब कुछ दर्शन कर दिखा दिया। जैसे पहला वाला श्लोक शुरू किया था, भिद्यते हृदय गंति सिद्धंत सर्व संशया कि अंते चास कर्माणि दृष्टो नैवात्मनिश्वरे। अपना हृदय का जितना ग्रंथि है, बंधन है, अनर्थ है, ग्रंथि अहमिता ममता हैं, ये सारे जो ग्रंथि है, अविद्या अस्मिता अहमिता ममता, ये सारे अविद्या ग्रंथि है। विद्यते हृदय ग्रंथि और सिद्धंते सर्व संशय। परम सत्व वस्तु का दर्शन होने से दिल का अंदर में जितना अज्ञान है, संशय संदेह है, सारे खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। क्षयंत चास्त कर्माणि, परम वस्तु का दर्शन करने का साथ साथ सारे खत्म। हमने काल बताया था गायत्री मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी का ई सिद्धि लाभ भई हो गया। गायत्री अप्राकृतो काम गायत्री है, जिसका बारे में बताया था शुरू से लेकर शेष तक। काम गायत्री का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय, गायत्रीम हमने बताया था, अथो वेणु निनादस्यो त्रयीमूर्तिमयी गति स्फुरंती प्रविवेश आंसु मुखाब्जानी स्वयंभव गायंती गायंतिं गायतः तस्माद् अधिगतो सरोजजः संस्कृत संस्कृत चादि गुरुना द्विजत्याम अगमत तथा। ब्रह्मा जी का द्विज संस्कार हो गया और ब्रह्मा जी को जो काम गायत्री मिला था अष्टदशाक्षर मंत्रों का बाद जो गायत्री लाभ होता है, इसका नाम है काम गायत्री। काम गायत्री का सब कुछ चिन्मय चिद विलासमय है। काम गायत्री का इनर मीनिंग है, काम गायत्री का ध्यान, काम गायत्री के जो कुछ भी है उपदेश, सब कुछ इसका अंदर में बहुत गहरा विचार है। काम गायत्री का सब कुछ है अप्राकृत संपूर्ण चित विलासमयी और इसका थोड़ा अंतर्निहित अर्थो समझने के लिए काल प्रयत्न किया और यही गायत्री में श्री श्री गोपीनाथ वल्लभ का परिपूर्ण
ध्यानांतर तदीयो लीला का अध्यास एवं उसी अप्राकृत अनंग लाभ का प्रार्थना, मतलब कृष्ण का ओर में खिंचावट महसूस करे। भगवान का ओर, भगवान का अप्राकृत सौंदर्य, भगवान का अप्राकृत सौंदर्य, अप्राकृत जवानी देख के मेरा अंदर में खिंचावट पैदा हो, भगवान का आलिंगन करे, चुम्बन करे, ये जरूरी है। ये जीवों का लिए टॉपमोस्ट गेन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जो जो जीव यही गायत्री तत्वों का लाभ किया है, ये लोग का पुनः अप्राकृत जन्मों लाभ हुआ है। जरबद्ध जीवों का माइक संसार में जो स्वभाव और वंशो हेरिडिटिकल फैक्टर के अनुसार जो द्विजत्व लाभ है, इससे अनंत गुना फायदादायक है। अप्रागित जगत का, अप्रागित जगत में प्रवेश करने के लिए जो द्विजत्व लाभ होता है, ये बहुत ऊंचा, क्योंकि चित विषय में दीक्षित होकर जो द्विजत्व व अप्राकृत जन्म लाभ होता है, इसके द्वारा चित जगत प्राप्ति रूप जीवों का चरम महिमा वर्णन किया गया। गायत्री में जो मंत्र है उसमें पहले ओंकार शब्द है, उसके बाद भूर्भुव स्वाह तत्, उसके बाद सवितुर, उसका बाद वरेण्यम, उसका बाद भर्गो देवस्यो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ जहाँ जो जीव जहाँ विराजमान है, वहाँ से हम लोग को यात्रा करना है। यहाँ एक प्रार्थना है, यहाँ एक प्रार्थना है कि छंदो एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है, इसका जीव गोस्वामी पाद थोड़ा व्याख्या किया है। बोलो ये जो माने हैं, ये माने क्या है, जीव गोस्वामी पाद बोला, जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये अधकृतम अक्षय ज्ञानम इंद्रियजम ज्ञानम जेनो, जिन तत्व वस्तु के द्वारा ये इंद्रिय जो ज्ञान को हर वक्त फालतू माना गया, फालतू, जिस अप्राकृत तत्व ज्ञान तत्व वस्तु है परात्पर अखिलेश्वर, जिनको जानने के लिए हमारा प्राकृत ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रयास प्रचेष्टा लोकबल अर्थोबल सब फीका पड़ जाता है, इसी का नाम है अधोक्षज वस्तु। भूर्भुव स्व महो यनु तपस्वत्तो, ये सब ऊपर का लोक है और नीचे का लोक है, अतल वितल तलातल रसातल पाताल सब नीचे है। ये जो दुनिया का प्रकाश है, पहला बात तो ये है, तमाम
भगवान ने गीता में बताया वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो, तमाम वेदों का वेद्य वस्तु प्रतिपाद्य वस्तु मैं हूं, तमाम वेदोविद वेदोकर्ता वेदोविद सब मैं हूं, वेद का कर्ता वेद जानने वाले एकमात्र भगवान है। और भगवत जी महापुराण में बताया गया वेदस्य वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरः। वेद का अर्थ क्या है गंभीर, ये समझने के लिए प्रयास प्रचेष्टा कोई अगर करे, चाहे वो ऋषि मुनि हो कोई भी हो, दिव्य शुरीगण सारे मोह प्राप्त होता है। क्यों? वेदस्य ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरः। वेद और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। ये दुनिया है भोग भूमि, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है इसका नाम है भोग भूमि। भोग भूमि माने इट इज एंजॉयिंग फील्ड, भोग भूमि इसका नाम है भोग भूमि। और कोई जीव अगर ऊपर जाना चाहता है, अपना अनुभव अपने रियलाइजेशन का एकदम ऊपर जाना चाहता है धीरे धीरे, तो जड़ जगत का जो एक्सपीरियंस है, मेटेरियल एक्सपीरियंस है, मेटेरियल सेंस ऑर्गन है, फीलिंग्स है, सब कुछ को फेंकना पड़ेगा। एक दफे तो फेंका नहीं जाए, एकमात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव फेंक सकता है। इसलिए ये जड़ जगत भोग भूमि है, ये भोग कमती होते 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 आगे चल, ए मेटेरियल जगत में जैसे स्थूल भोग भोग है, स्थूल भोग, ये भोग फाइन, ये भोग फाइन होते होते स्वर्गलोक में फाइन होता है, स्वर्गलोक में एंजॉयमेंट है, भोग है, लेकिन ये भोग ये जगत का माफी इतना गंदा नहीं है, गंदा तो है ही है फिर भी इतना नहीं। ये भोग कमती होते होते धीरे धीरे भूर्भुव स्व महाजनो तपस्वत्व सत्यलोक में पहुंचने का बाद एकदम फीका पड़ जाता, बहुत कमती हो जाता। और ठीक भोग अभी त्याग का ओर जाना शुरू करे। ए मेटेरियल जगत का भोग कमती होते होते जितना ऊपर चलो सत्य लोक में जाकर एकदम कमती फीका भर जाता है और वो त्याग का ओर बढ़ने लग जाता है। सत्य लोक छोड़कर बिरजा, बिरजा शब्द का अर्थ है विगत रजा, अर्थात जीवों का अगर गंदगी भी है थोड़ा सतरज तम का और बिरजा रजगुण तमगुण उसको धौत करके फिर आगे जीवात्मा को जाने देगा, बिरजा पार करके ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म ज्योति, इसका बाद आगे चलकर सदाशिव आदि। सदाशिव लोग सदाशिव लोग वैकुंठ लोग की है, उसका बाद आगे चलो धीरे धीरे। सो सत्य लोग त्याग करके बिरजा एवं ब्रह्मलोक के ब्रह्मलोक में उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ कोई भोग नहीं है, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा का लोक नहीं है, ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति।
और ये जो भूर भुव स्व महोजनो तपस्वत्व, ये जो जिनके द्वारा ये इंद्रिय जो ज्ञान को हर वक्त तुच्छ माना गया, जिनके द्वारा ये इंद्रियों जो ज्ञान विचार को तुच्छ माना गया, इसका नाम अदक्ष जीवित भूर्भुव स्व महोजनो तपस्वत्व एक साथ लेके इस समग्र इस तमाम चीजों को जो सावित्री प्रकाश किया, प्रसोप सावित्री ये जो शब्द हैं सविता माने सविता का अर्थ है प्रसोप करता, शु धातु प्रसोप अर्थ है। शु धातु प्रसोप अर्थे सविता, सविता एक्चुअली सूर्यदेव का नाम है। सविता एक्चुअली सूर्यदेव का नाम है। ये सविता कोई स्त्रीलिंग नहीं है, हम लोग का एक गलत फहमी है। जितना आकारांत शब्दों इकारांत शब्दों दीर्घिकांत सब स्त्रीलिंग होती है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो सविता है ये सविता है पुंलिंग। सविता मतलब प्रसव करता, शु धातु प्रसव अर्थे। प्रसव कौन किसको करता है, इसका उत्तर है चेतन जड़ वस्तु को बा जड़ अभिज्ञता को प्रसव करे। ध्यान दे, ये जो परसेप्शन पावर अनुभव क्षमता चेतन का बिना संभव नहीं है। ये जो अनुभव क्षमता है सुख दुख ज्ञान और जो कुछ भी है ये सारे चेतन वस्तु है, इसलिए इसका मीनिंग है। चेतन वस्तु अगर गायब हो गया तो इसका कोई माने नहीं है, क्योंकि परसेप्शन पावर तो जड़ वस्तु का है नहीं, अनुभव क्षमता तो चेतन वस्तु का ही है। तो चेतन वस्तु चेतन, ये जो चेतन है हमारा अंदर में, यही चेतन जड़ वस्तु बा जड़ अभिज्ञता का प्रकाश करता है। प्रसोप अर्थ प्रकाश, सविता प्रसोप कर्त। गीता में भगवान बताया सूरज भगवान ये चराचर ये ब्रह्मांड को प्रसव किया है। गीता में है भगवान सूर्यदेव ये चराचर ब्रह्मांड को प्रसव किया है, तो इसीलिए सूर्य का दूसरा नाम पड़ गया है सविता। गीता में दो शब्द है, शायद आप तो सुने होंगे, और क्षेत्रज्ञों, ये क्षेत्र क्या है, ये सब भूर्भुव स्व जिता पंचभूत है, माने पंचभूत के द्वारा प्रकाशित जो वस्तु है, यहां तक कि मेरा जो पांच भौतिक शरीर है ये भी क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञों इसका बारे में जिसको जानकारी है ये क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञों अतः आत्मा। क्षेत्रज्ञ दो किस्म का है, एक क्षेत्रज्ञ है परमात्मा और एक क्षेत्रज्ञ जो मेटेरियल ज्ञान को लेकर बैठा हुआ है ये जीवात्मा है।
जितना सारे हमारा स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म जितना सारे विषय हैं, सब क्षेत्र है, क्षेत्र को है आत्मा। मैंने सूरज भगवान का साथ तुलना किया गया, क्योंकि सूरज भगवान जैसे चराचर जगत को प्रक्षोभ करते हैं, इसी का मुताबिक आत्मा, ये इसका नाम है सविता, ये प्रकाशक। अर्थात आत्मा रहने का कारण हमारा तार, हमारा तमाम शरीर का प्रकाश और सारे चीजों का प्रकाश हो जाता है। खिति अपो तेज मुरुद बोम, ये सूक्ष्म पंचतत्मात्म ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और सब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये तमाम चीजों का अनुभव करता है सविता। अर्थात वो है चेतन क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को सविता बोला गया। भूरादे सवितुर वरेण्या विहिता अविहितम क्षेत्रज्ञ सेव्यार्थकम। भूर्भुवस्व पवित्र स्थूलो सूक्ष्मो जगतेर प्रकाश आत्मा, जिसका नाम है सविता। सूर्य भगवान के साथ सविता का तुलना किया। और ये जो सविता है, इनके वरेण्य वस्तु जगत का प्रकाशक जो आत्मा व सविता, इनके जो वरेण्य वस्तु है, ओर्सिपेबल ऑब्जेक्ट है, भजनीय वस्तु है, पूजनीय वस्तु है, इनके सेव्यो, इसी तत्व को बोला गया। क्षेत्रज्ञों का सेव्यो है भर्गो, यही तत्व कौन सी चीज है? साधारण रूप से हम लोग जो दर्शन करते रहते हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, सब क्षेत्र है। क्षेत्रों को जो आत्मा है, इनके पूज्य भूमि, क्षेत्रों को जो आत्मा है, परम क्षेत्रों को है परमात्मा, साधारण क्षेत्रों को है आत्मा, हमारा जो आत्मा है जीवात्मा, क्षेत्रों को जो आत्मा है, इनके पूज्य भूमि में उतारना है हमको। क्षेत्रों को जो आत्मा है, इनके पूज्य भूमि में जाना है। और ये भगवान, ये जो पूज्य वस्तु है, इन्हीं जिनको वरण कर लेते हैं, जम एव एष वृणीते तेन लभ्य, ये जिनको वरण करते हैं, आओ भजन करें, संधान करें पूज्य सही वस्तु, पूज्य पूजा करते रहते हैं, ये जिसको पूजा करते रहते हैं, ये जिनका पूज्य वस्तु है, तो ये बड़ा ऊंचा चीज है। सो भर्गो बोलने से चिन्मय धाम भी माना जाता है। भर्गो मतलब तेज भी है, तेज तामा, बहुत सारे मीनिंग होता है। भर्गो बोलने से चिन्मय धाम, ज्योतिर्मय धाम, भर्गो अर्थात ज्योति, ज्योति का जो रोशनी है, ये रोशनी के द्वारा हम लोग चेतन जगत को समझने के लिए चेष्टा करते हैं। अतः यही भर्गो मतलब चिन्मय धाम। ये किसके धाम है? देवस्य। कौन देव? परदेव। देवस्य अर्थात देवतार भर्गो, देवता, दीप धातु से देवता आया है। दीप धातु सौंदर्य, दिवी धातु लीलायम, और किराय देवी को ही दोतोमाना परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नगरी, जो चैतन्य चैतन्य बोला है, कृष्णदास कविराज स्वामी प्रभु व्याख्या किया है। देवता अर्थात जो सुंदर लीलामय है,
अतः इनके भर्गो माने इनके चिन्मय धाम। ये सेवा का भूमिका है, ये सेवा का भूमिका है। वहां का मालिक कौन है? अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधारानी। तमाम सेवा का मुख्य सेवा होते हैं सब रस का सेवा का समाहार मधुर रस में इनके सेवा। ये सेवा का अंदर ये मधुर रस का अंदर में दासो शको वात्सल्य सब विराजमान है। मधुर रस परिपूर्ण है। निरपेक्ष भूमिका में उतारो तो मधुर रस में तमाम रसों का समाहार है। ये तो तमाम इसीलिए वही सेवामय धाम इनके मालिक इनके वैभव सब ये श्रीमती राधारानी। ऐसा ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है पूज्य वस्तु का ध्यान माने इस पान का एक किस्म का अनुशीलनात्मक नित्य जगत का जिसका बारे में वेदांतों में बताया। नित्य जगत का अनुशीलनात्मक नित्य जगत का अनुशीलनात्मक होने से वो किस अवस्था में जाए? ना धियो जोनो प्रचोदय। ये पूजा करने से क्या हो सकता? ना हमारा धी मतलब सेवावृत्ति धियो जोनो प्रचोदय धी अर्थात सेवावृत्ति बढ़ा देंगे, सेवावृत्ति को बढ़ा देंगे। धियो योनो प्रचोदयात इनके सेवा में संतुष्ट होकर अतधा जो सेवा करेगा इनके सेवा में संतुष्ट होकर इन्होंने हमारा सेवा का वृत्ति और बढ़ा देंगे। ऐसे देखा जाए तो ये परम सत्व वस्तु का ही बारे में बताया गया, परम सत्व वस्तु का बारे में ही बताया गया। तमाम वेदों का प्रकाश गायत्री से, तमाम वेद माता गायत्री ये गायत्री मंत्रों के द्वारा काम गायत्री नहीं ब्रह्म गायत्री हो, ये ब्रह्म गायत्री के द्वारा हम लोग जड़ बंधन से छुटकारा मिलकर ऊपर जा सकता है। मतलब हमारा जड़ जगत का जो बंधन ये सारे फीका पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा। इतना पावर है इस मंत्र का अंदर में। तो ये गायत्री मंत्र वेद को प्रकाश किया है। और अथो वेणु निनादस्यो त्रयी मूर्ति त्वयी मूर्तिमयी गति स्फुरंती प्रविवेशासु मुखाब जानी स्वयंभुव गायत्रीं गायतः तस्माद् अधिगतो सरोजजः संस्कृतोश्चादि गुरुणा द्विजत्वम् अगमत्ततः ब्रह्मा
भगवान के द्वारा परात्पर अखिलेश्वर के द्वारा संस्कृत होकर संस्कार प्राप्त होकर द्वियोत्तम अगमा द्वियो हो गया, उसका दो जन्म हो गया। गायत्रीम गायतः वेदमात्री, वेदमात्री वेद का माँ, वेदमात्री गायत्रीमयी त्रिपाठो श्री कृष्ण का वेणुध्वनि में स्फूर्ति लाभ कर तो स्वयंभुव ब्रह्मा का आठ कानों में प्रविष्ट हो गया, होके मुख पद्म में प्रवेश कर गया। पद्म जोनी यही गीत निश्चिता गायत्री प्राप्त होकर आदि गुरु भगवान के द्वारा शास्कृत संस्कार लाभ करके द्विजन्म लाभ किया, द्विजत्व प्राप्त किया। और इसके बाद तरिया प्रबुद्ध अथो विधिर विज्ञात तत्व सागर तुष्टावो वेद सारेण स्त्रोत्रेण अनेन केशव। यही त्रयीमयी गायत्री स्मरण के द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा तत्व सागर अवगत हो गया, तब श्री कृष्ण को सर्ववेद स्वार कुछ कुछ स्तवों के द्वारा, सर्ववेदों का स्वार कुछ स्तव स्तुति के द्वारा भगवान को वंदना की है। काम गायत्री स्मरण के द्वारा मैं कृष्ण का नित्य दासी हूँ ऐसा बोध किया, और कृष्णदासित्व में, कृष्णदासित्व में जो कुछ भी गहरा रहस्य है ये अगर नहीं भी हुआ होगा फिर भी ब्रह्मा का चिद अचित विवेक से तत्व सागर अपना अनुभव में आ गया। समस्त वेद वाक्य इनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होकर ये अखिल वेदों का सार वाक्यों के द्वारा स्तव किया है। ये स्तव संपूर्ण वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, इसीलिए महाप्रभु हमको शिक्षा, हम लोगों को शिक्षा के लिए लाए हुए हैं, महापुरुषीय भक्तों को शिक्षा दिए। इसका पहला हिस्सा काल चर्चा किया था हमने। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पभिक्षो लक्षाभितेषु सुरभि रविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसम्मम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये हो गया, काल चर्चा किया। इसके बाद चर्चा किया बेनुम कनंत मनविंद दलायताक्षम बरहाव तंक्षम सीताम्बुद सुंदरंगम कंदर्ब कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। अर्थात मुरली गान तत्पर कमल दल का नय प्रफुल्लो चक्षु है, चक्षु मयूर पुच्छे के द्वारा सिर आभूषण है, शिर आभूषण, और नील मेघों का मापिक, नील मेघ वर्णों का मापिक सुंदर शरीर है, और कंदर्प कोटि मोहन विशेष शोभा विशिष्ट हो, यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। ये काल चर्चा किए। गोलोक का परम कांतो कृष्ण का अतुल शोभा वर्णन किया गया, जो ब्रह्मा जी ने अनुभव किया वही बताया। भगवान ने दर्शन दिया तो देखा, अपना प्रयास प्रचेष्टा कुछ नहीं देखा, अपना प्रयास प्रचेष्टा से कुछ नहीं देखा जाता। ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा किया एवं बोला जवानहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह, ये बताया।
हम कैसा है, मेरा लीला कैसा है, मेरा धाम नाम क्या है, सारे तुमको जानकारी मिल जाएगी। जब अनहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कर्म कह तथैव विज्ञानम सूते मद अनुग्रह, मद अनुग्रह मेरा अनुग्रह से। विभु चैतन्य कृष्ण है, स्वरूप का विचार करे तो ये चिद्ध हो, चिदानंदमय शरीर भगवान। जड़ जगत का रमणीय जितना सारे वस्तु है, जगत का जितना सारे रमणीय वस्तु है, कभी प्राकृत कवि हमारा ये जड़ जगत का बहुत सारे कवि ऐसा लिखा है, कवि हमारा जड़ जगत का ऐसा सारे कवि सब लिखा हो, ये लिखा है, ये तमाम ये सुंदर भुवन जगत में जो कुछ भी देखने लायक है, सुंदर जो है मीठा आनंददायक है, सब बिंदु बिंदु अनंत ब्रह्मांडों का सौंदर्य, अनंत ब्रह्मांडों का सौंदर्य तिल तिल बिंदु बिंदु लेकर मधुमक्खी का मापिक भगवान का ये अप्राकृत शरीर है। लेकिन ये तो मेटेरियल व्याख्या है, ये मेटेरियल कवि का विचार है। जगत ये जगत का जितना सारे सौंदर्य चीज है, जितना सारे आनंददायक चीज है, सभी से एक बूंद बूंद लेकर तमाम कृष्ण सौंदर्य माना गया, माना गया। लेकिन असली तो ये बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अपराकृत। इसलिए जड़ जगत का रमणीय वस्तु सकल देखकर जो कृष्ण रूप का थोड़ा इमेजिनेशन कंसेप्शन, ऐसा सुंदर जो नहीं है। बंकिम बाबू बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का काल्पनिक ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण नहीं है, ये काल्पनिक एक फिगर है, ये काल्पनिक एक फिगर है। बंकिम बाबू का या रविंद्रनाथ टैगोर का ये प्राकृत कवि का जो जो कल्पना है, इमेजिनेशन पावर, इसके द्वारा जो कृष्ण का जो कंसेप्शन मिलता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल कंसेप्शन ऑफ कृष्ण। अगर जड़ जगत का कोई सौंदर्य जड़ जगत का किसी वस्तु के द्वारा कृष्ण का तुलना किया जाए तो कृष्ण तो भोग्य वस्तु हो गया, कृष्ण बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एंजॉयमेंट एस्टिमेशन। लेकिन कृष्ण तो ऐसा वस्तु नहीं है ना, जो भगवान श्री कृष्ण से, जो भगवान श्री कृष्ण से अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश है, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण से अनंत ज्ञान का प्रकाश है, अंत सब कुछ है, उसको कैसे ये सब ज्ञान के द्वारा जाना जाए, प्राकृत ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना नहीं जाए। सो भक्ति रूप चित समाधि के अंदर में ब्रह्मा जो देखा है वही वर्णन किया है। कृष्ण बेनुनाद रतो है, बेनु मने रमणीय सरोजुग समस्त चेतन पदार्थ का चित्त हरणशील एक चीज है। इसी प्रकार कमल दल का स्निग्धता वर्षणकारी भगवान का आंखें हैं, भगवान का चक्षुद्वय कमल पत्र कमल नयन, ये मुख चंद्रमा का असीम शोभा का विस्तार किया है। मयूरपुच्छ शिरभूषण शोभा तथा कृतिमय चित सौंदर्य विधान कर रहे हैं। नील मेघ जैसे स्निग्ध दर्शन देते हैं,
कृष्ण का वर्णन ओ तद्रूप चिन्मय श्यामल वर्ण है। इसके बाद जो श्लोक है, ये श्लोक काल हमने बताया था, ये क्या है? आलोल चंदकल असत वनमाल वंशी रत्नांगदम प्रणय कैलि कला विलासम श्यामम तिवंगलहितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। दलायितो चंद्रक शोभिता वनमाला जिनके गलोदेश में है, और वंशी रत्नांगदो जार करोद्वय में है, सर्वदा प्रणय केली विलास युक्त जो भगवान ऑलवेज विथ स्पोर्टिव मूड चिनी, और ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप रूपी जिनके नित्य प्रकाश, ये आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ अंतर से। आलोल चंद्रकल असत वनमाल्य वंशी आलोल चंद्रकल असत वनमाल्य वंशी रत्नांगदम पुनःकलि कला विलासम श्यामं तिवंगलहितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये वर्णन किया है चिंतामणि प्रकोर शब्द में चिन्मय धाम गोविंदादि चिन्मय नाम, और वेणुकनंतम शब्द में चिन्मय नित्य रूप, चिन्मय नित्य रूप एवं इस श्लोक में उसी स्वरूप का 64 किस्म का गुण रूप केली विलास वर्णन किया गया। मधुर रस शब्दों में जितना कुछ चित व्यापार वर्णित होना संभव है, ये तमाम यही प्रणय केली विलास का अंतर्भुक्त है, जो जड़ भूमिका में रहकर अनुभव करना संभव नहीं। आलोल छंद को लसत वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामं तिमंगलहितं नियतप्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसके बाद का जो श्लोक है, जो ब्रह्मा जी खुद देखे, वो क्या है? ना यहां प्राकृत जगत का कोई प्राकृत जगत का प्राकृत कंसेप्शन जो है भगवान के बारे में, इसको खंडन किया गया। ब्रह्मा जी ने प्राकृत जगत का जितना सारे मेटेरियल कंसेप्शन है, मेटेरियल सब कुछ है, इसको बेकार दिखाने के लिए ये श्लोकों को बताया। क्या बताया? बोला अंगानी अज्ञानी जस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति, अज्ञानी यशो शकलेन्द्रिय वित्तिमंती पशंती पांति कलंत चिरम जगंती आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजाम। क्या बताया? बोले अंगानी यशो शकलेन्द्रिय वित्तिमंती पशंती पांति कलंत चिरम जगंती आनंद आनंद चिन्मय रसु आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। अंगानि यस्यो सकलेन्द्रिय विस्तिमन्ति अंगानि यस्यो सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
यहाँ ब्रह्मा जी ने जितना सारे मेटेरियल कंसेप्शन है ये जड़ जगत का, इसको खंडित करने के लिए ये श्लोक को रचना किया। ब्रह्मा जी का ये विशेष विचार है, जिनके द्वारा प्राकृत जगत का जो मेटेरियल कंसेप्शन है उसको एकदम खंडित किया गया। वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं, जिनके विग्रह आनंदमय चिदानंदमय आनंदमय चिन्मय और सतमय अर्थात सचित आनंदमय, एक एक वाक्य से। सो ये परम उज्जवल है, ये परम उज्जवल है, इसी विग्रहों का अंदर में जितना सारे अंग प्रत्यंग है भगवान का जितना सारे अंग प्रत्यंग है, तमाम समस्त इंद्रिय वृत्ति विशिष्ट, समझा नहीं, माने भगवान का जो चिन्मय विग्रह है, ये विग्रह में जितना तरह सेंस ऑर्गन है कुछ भी है, कुछ भी है, ये इंद्रियोग्राम चिन्मय है और एक इंद्रियो दूसरे इंद्रियों का काम कर सकता है। आई बात समझ, एक इंद्रियो दूसरा एक इंद्रियों का काम कर सकता है अनायास, अर्थात भगवान आंखों के द्वारा भोजन कर सकता है, कानों के द्वारा देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है कि चिन्मय वस्तु है, ये कोई मैटर नहीं। भगवान का अप्राकृत इंद्रियोग्राम है, किसी को अगर विश्वास नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंद्रियो दूसरे इंद्रियो का काम कर सकता है, भगवान आंखों के द्वारा सुन सकता है, कानों के द्वारा खा सकता है, सब चिन्ह है, ये हमारा विश्वास होने का इच्छा ही नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये जड़ जगत का, इस मेटेरियल जगत का एक उदाहरण दे, एक मेटेरियल जगत का कोई उदाहरण देखा जाए तो सांप आपने देखा है, स्नेक सांप, सांप का कोई कान देखा है, सांप का कभी कोई कान देखा है, कान हियरिंग ऑर्गन, कान देखा है, मेरे मैंने कान देखा नहीं सांप का, क्यों देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, क्यों देखा नहीं, बोले कैसे देखेगा, देखेगा कैसे, तो है नहीं सांप का कान, है नहीं हियरिंग ऑर्गन, आंखों के द्वारा ही संपन्न होता है, आंखों के द्वारा, अलग सा कोई हियरिंग ऑर्गन नहीं है, इसीलिए सांप का नाम है ओक्षी श्रोवा, आंखों के द्वारा सुनता भी है देखता भी है दोनों का, इसका नाम है ओक्षी श्रोवा। तो हम उसी गोविंदो आदि पुरुष को भजन करें जिनका विग्रह सच्चिद आनंदमय परम उज्जवल, इसी विग्रह गतो, इसी विग्रह का अंदर में जितना सारे सेंस ऑर्गन है, लिम्स है, तमाम एक एक इंद्रियो दूसरा इंद्रियो का काम कर सकता है, प्रत्येक ही समस्त इंद्रिय विशिष्ट, हर एक इंद्रियो दूसरा इंद्रियो का जो विषय वो रख सकता है, अनुभव कर सकता है, जैसे हमारा आंखों के द्वारा देखा जा सकता है।
और कुछ नहीं, आंखों के द्वारा खाया नहीं जाएगा, लेकिन भगवान के लिए आंखों के द्वारा खाना भी संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं, ये लोग का विश्वास तो है नहीं, भगवान का लीला देखकर, भगवान का आचरण देखकर, भगवान गिरिराज उठाए, रास किए, ये सब देख के बड़ा उल्टा विचार आता है बद्ध जीव के अंदर में। कृष्ण लीला का वर्णन सुनकर जड़ जगत का कोई व्यक्ति ऐसा भी मान लेता है, इट इज वन काइंड ऑफ फिक्टिटा स्टोरी, ये काल्पनिक कोई गल्प है, पंडित लोगों के कृष्ण तत्व का ऐसा विचार है, ये अनर्थ को, ये मिसकंसेप्शन को छेदन करने के लिए ब्रह्मा इसी श्लोक के द्वारा और तीन श्लोकों आगे चलकर और तीन श्लोकों के तीन श्लोकों के द्वारा चिद अचित पदार्थोद्वय को तात्विक रूप में कैसे पार्थक्य है इसको समझाने का चेष्टा की। अंगानी जसो सकलेन्द्रिय वित्तिमंती पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा का आशय, ब्रह्मा जी का कहने का मतलब है कृष्ण विग्रह सच्चिदानंदमय और माइक समस्त माइक जगत का जो कुछ भी है ये जड़ोतममयी समस्त प्रतिति, ये दोनों का अंदर में फड़ा क्या है, पार्थक्य क्या है, ये विशेष को तो वैलक्षण रहने से भी मूल तत्व यही है जो चित व्यापार मूल पदार्थ। विशेष और विचित्रता इनमें विद्यमान है, विशेष और विचित्रता इसमें विद्यमान है, इसमें विद्यमान है, अर्थात ये विग्रह का अंदर एक ही अद्वैज्ञान तत्व लेकिन अनंत वैचित्र के द्वारा डेकोरेटेड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी। कृष्ण का चिन्मय धाम, चिन्मय रूप, चिन्मय नाम, गुण लीला सब कुछ है, शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट माया संबंध रहित, शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट ओ माया संबंध रहित जन, ये सब लीला का लीला आस्वादन कर सकता है। चिद धाम चित शक्ति प्रकाशितो चिंतामणि गठितो लीलापीठ, कृष्ण विग्रह समस्त चिन्मय, चित शक्ति का छाया जैसे माया शक्ति, चित शक्ति का छाया जैसे माया शक्ति है, माया गठितो चित शक्ति का छाया जैसे माया शक्ति है, इसी प्रकार माया के द्वारा गठित विचित्रता डाइवर्सिटी चारों ओर से जो खिंचावट है विचित्रता, ये अप्राकृत जगत का विचित्रता का हेयो प्रतिफलन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वर्ल्ड। सो चित्त तत्व का विचित्रता मानता नहीं मायावादी लोग, चित्त तत्व का विचित्रता मायावादी लोग मानते नहीं। सो चित्त तत्व का विचित्रता का सदृश ही ये माइक जगत में देखा जाता है।
दोनों वैचित्रता डाइवर्सिटी या अप्राकृत जगत का प्राकृत जगत देखने में एक जैसा लगता है, उभय विचित्रता सादृश्य थाकिलो इट सेम्स टू बी सेम, लगता है कि दोनों एक ही, लेकिन एक नहीं है। उभय विचित्रता सादृश्य बाहरी विचार में एक देख एक जैसा लगता है, लेकिन एक दूसरे के लिए एक स्पेशलिटी मेंटेन करता है, हैव सम वेरी स्पेशलिटी, परस्पर विलक्षण। जड़ जगत का जो हेव है मैटर है ये तो हेव वस्तु है, जड़ जगत का जो हेयत्व जड़ जगत का जो हेयत्व है ये जड़ का दोष है, किंतु चित तत्व में ये दोष नहीं है। ध्यान दे, जड़ जगत में जो वस्तु का हेयत्व होता है हेयत्व इन्फीरियोरिटी अप्राकृत जगत में नहीं है। अप्राकृत जगत का कोई वस्तु फेंकने वाला नहीं, सब चिन्ह है। जैसे निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दोव संयुतम जो श्लोक पाठ किया उसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, अरे फल ही है, अगर है तो फल का अंदर छिलका रहता है, गुठली रहता है, कुछ नहीं है वर्ण है। अर्थात हेयो अंशो वर्जितो, इसमें कोई फेंकने वाला कुछ चीज नहीं, हेयो वस्तु वर्जित है। जड़ जगत में हर वस्तु का हेयत्व तो है, इन्फीरियरिटी कुछ है, फेंकने वाला चीज है, लेकिन अप्राकृत चीज जगत के तो दोष शून्य, जितना भी डाइवर्सिटी है बट जितना भी डाइवर्सिटी है सब एक्सीलेंट है और एब्सोल्यूट है, फेंकने वाला कुछ नहीं। कृष्ण का आत्मा और शरीर अलग नहीं है, हमारा जैसे आत्मा अलग है शरीर अलग है, हमारा जैसे शरीर अलग है आत्मा अलग है हम लोगों का, लेकिन भगवान का कण कण में शरीर का सारे वो एक ही है, पूर्ण परिपूर्ण। कृष्ण का आत्मा और शरीर पृथक नहीं है, यहाँ तक कि अद्वैत ज्ञान तत्व में बोला गया धाम नाम लीला परिकर वैशिष्टो तमाम लेकर एक तत्व है। जैसे पंच तत्मात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम ये जो बताया गया चैतन्य महाप्रभु, जैसे श्री राम जी के लिए बताया गया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नो तमाम, ये सब एक इकट्ठा लेके एक राम तत्व है, चतुर्धा अगात। देखने में अलग जैसा है, भरत अलग है राम अलग, राम अलग है भरत से, और शत्रुघ्नो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब अलग है, लेकिन अलग नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज ये भी अलग नहीं, ये राम तत्व का अंदर में ही आता है, तमाम लेकर एक अद्वैत तत्व, इनके शक्ति सीता देवी सब लेके एक तत्व है, लेकिन आदमी समझता नहीं। सो जड़ जगत का जो एक्सीलेंसी है विचित्रता है और अप्राकृत जगत का देखने से बाहरी दृष्टि में एक लगता है, लेकिन परस्पर विलक्षण है। जड़ में हेव इन्फीरियरिटी वस्तु है फेंकने वाला, किंतु चीज जगत में नहीं। जैसे भागवत जी महापुराण के बारे में बताया निगम कल्पतरुर गलितम फल, अभी कभी कोई देखा है गलित फल कोई देखा है क्या? लेकिन ये बताया गया निगम कल्पतरुर गलितम फलम, इसमें कोई गुठली छिलका कुछ नहीं है फेंकने वाला, गलितम फलम। कोई आदमी अगर सोचे कि महाराज ये एक जो फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी, लेकिन ये प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के अंदर में ही भाग है,
एक है जैसे हमारा वैष्णव दर्शन, दर्शन शब्दों का ट्रांसलेशन फिलोसॉफी होता है, लेकिन ये दुनिया का जितना सारे फिलोसॉफी हैं और हमारा भागवत दर्शन क्या एक चीज है? एक चीज नहीं है। भागवत दर्शन, भागवत दर्शन जो है इसका अंदर में जो दर्शन है इसमें रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी। बाकी दुनिया का जो दार्शनिक विचार है, दर्शन है, इसमें कोई अल्टीमेटली रियलिटी नहीं है। अल्टीमेटली रियलिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। ये जगत ध्वंस होने वाला है, हमको मरना है, आपको मरना है, आपको हर कोई को मरना है, अल्टीमेटली हमको मरना है, तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं। इसीलिए अप्रागित जगत में विचित्रता, डाइवर्सिटी, एक्सेलेंसी जरूर है, लेकिन इसमें अनोखा चीज है, एब्सोल्यूट चीज है। कृष्ण का आत्मा एवं शरीर अलग नहीं है। कृष्ण का चरण कमल से एक धूलिकण जो है ये भी पूर्ण वस्तु है, जबकि हमारा अनंत ब्रह्मांड ये मेटेरियल है। भगवान का चरण कमल से एक धूलिकण है, ये अप्राकृत है, पॉजिटिव है, अप्राकृत है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में जो जड़ जगत है, ब्रह्मांड है, इससे इससे भारी पड़ जाएगा एक धूलिकण वैकुंठ का, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वैकुंठ जगत का एक धूलिकण जो है ये भी भारी पड़ जाए, इसका इट हैज सम वैल्यू, हैज सम ना एब्सोल्यूट वैल्यू, कि वैकुंठ का धूलिकण जो है ये भी एब्सोल्यूट है, जबकि हमारा अनंत ब्रह्मांडो एक साथ इकट्ठा एक जगह रखे, फिर भी इसका साथ तुलना नहीं दिया जा सकता है, संभव नहीं है। सो कृष्ण का आत्मा एवं शरीर, कृष्ण का आत्मा और शरीर एक है, परस्पर अलग नहीं है। जड़बद्ध जीवों का शरीर और आत्मा अलग अलग है। चित स्वरूप में देहोदेही, अंगो अंगी, धर्म धर्मी कोई भेद नहीं है, किंतु जड़बद्ध जीव में ये सब भेद जरूर है। अंगो अंगी, देहोदेही, धर्म धर्मी, कृष्णो अंगी होने से भी इनके प्रत्येक अंगो ही पूर्ण कृष्ण। आप समझा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का एक नाखून ये भी पूर्ण कृष्ण है। पूर्ण वस्तु में कोई अपूर्ण नहीं रह सकता है, जिसका बारे में उपनिषद में बताया गया, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये कंसेप्शन कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये कंसेप्शन कोई बाहरी फिलोसॉफी नहीं है। पूर्ण से पूर्ण वस्तु का डेफिनेशन ये है, जो पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु निकाला जाए फिर भी पूर्ण ही रह जाता है, पूर्ण वस्तु से पूर्ण निकालने का बाद भी पूर्ण ही रहता है। जैसे गिरिराज महाराज गोलोक धाम वृंदावन से, नित्य गोलोक धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं, तो यहाँ गिरिराज महाराज आने का बाद क्या उधर गिरिराज महाराज नहीं है? बोला हाँ, उधर भी गिरिराज महाराज है। गिरिराज महाराज गोलोक धाम वृंदावन में नित्य विराजित तो है, फिर भी हमारा ये जो भौम वृंदावन, यहाँ में जो गिरिराज महाराज आए हुए हैं तो वहाँ फिर भी है, आने का बावजूद वहाँ है। माने गिरिराज महाराज से अनंत गिरिराज महाराज निकाला जाए फिर भी गिरिराज ही रहेगा। जमुना भी ऐसा है, चिन्मय, वहाँ नित्य जगत में गोलोक धाम वृंदावन में चिन्मय जमुना है, ये इधर भगवान भेजा है। सो
भगवान का प्रत्येक अंग प्रत्यंग पूर्ण कृष्ण है, ये कृष्ण ही है। आई बात समझ में? तमाम चित वृत्ति, तमाम चित वृत्ति इनके समस्त अंग में विराजमान है। सो ये भगवान अखंड पूर्ण चित्त तत्व, अखंड अखंड पूर्ण तत्व, जीवात्मा और कृष्ण दोनों ही चित स्वरूप है। जीवात्मा और चित स्वरूप है, कृष्ण भी चित स्वरूप है, एक ही है। क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली एक चीज है, लेकिन भेद कहाँ है ना? वही समस्त चित गुण समूह जीवात्मा स्वरूप में बिंदु बिंदु बहुत सूक्ष्म रूप में है। जीवात्मा स्वरूप में अनुरूप में और विभु कृष्ण में, कृष्ण में विभु रूप में विराजमान है। वही क्वालिटी सब कुछ आनंदमय ज्ञानमय चिन्हमय प्रकाशमय सब सभी है जो कृष्ण के अंदर में, सब क्वालिटीज का अंदर, लेकिन बूंद बूंद इतना इन्फिनाइट समाल जीवात्मा का अंदर में उतना ही परिमाण में कृष्ण का गुणावली विराजमान है, लेकिन कृष्ण का अंदर में विभू रूप में, जिसका बारे में बताया गया ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य च श्रियो ज्ञान वैराग्यस्यैव स्वरो इति भगो इंगन। कृष्ण का अंदर में तमाम गुणावली विभू रूप में है, समग्र समग्र माने अनंत, कृष्ण का वैभव अनंत, कृष्ण का ताकत अनंत, कृष्ण का लीला अनंत, हरि अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे। जीव शुद्ध चित स्वरूप प्राप्त होने से, जीव जब भजन करते करते शुद्ध चित स्वरूप प्राप्त हो जाता है, होने से उसी प्रकार गुणगण इन जीवों का अंदर में अनुरूप में प्रकाश पाएगा पाता है। कृष्ण कृपा लेकर चित लादिनी का बल इकट्ठा करके, चित बल लेकर कृष्ण कृपा का आधार पर ग्रेजुअली चित लादिनी का बल आविर्भूत होने से जीवों का अंदर में भी अनंत सीमा सिद्ध होता है। समझा नहीं? कृष्ण कृपा के द्वारा ग्रेजुअली चिद आह्लादिनी बल आविर्भूत होने से, चिद बल चिद लादिनी रूप बल आविर्भाव होने से जीवों का अंदर में ही अनंत सम्म सिद्धि है, अर्थात अनंत सम्म सिद्धि है मतलब खुद अनंत बन जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन अनंत का चरण में इसका स्थान होता है। आई बात समझ में? अनंत का चरण में अगर स्थान बन जाता है तो ही अनंत का साथ अभिन्न हो जाता है, माने अचिंत भेदावित्व के द्वारा। फिर भी कभी कभी कोई कोई विशेष गुण के कारण कृष्ण ही सर्वोपास्य सर्व उपास्य है, यही विशेष गुण चतुष्टय परब्रह्म आधिपति बा पुरुषावतार में प्रकटित होता नहीं, जो कृष्ण का अनंत लीला माधुरी गुण माधुरी रूप माधुरी वेणु माधुरी, ये जो चार विशेष है ये नारायण के अंदर में भी नहीं, नारायण का नहीं चतुर परब्रह्माधिपति पुरुषावतार इसका अंदर में भी नहीं है।
गिरीश गिरीश आदि अतः शंकर भगवान आदि देवता ब्रह्मा किसी का अंदर में तो नहीं है, किसी का अंदर में ये सब गुणावली रहना संभव नहीं। तुच्छो जीवों का बारे में और क्या कहाँ तक बताए, तुच्छो ये जो तुच्छ जीव है इसका बारे में कहाँ तक हम बताएं। यहाँ तो ब्रह्मा शंकर का अंदर में विष्णु का अंदर में नारायण का अंदर में भी नहीं है, चारों गुणावली संभव नहीं। तो कहाँ तुच्छ जीव कहाँ तक हम बताएं। अभी आगे चलकर बता रहे ब्रह्मा जी ने एक कमाल का शोक बताया जिसमें जड़ जगत का जितना सारे जीव है जिसका अंदर में कृष्ण का बारे में संशय संदेह डाउट्स पैदा होता है, टू फाइंड द सोल्यूशन इसका समाधान कर दिया इसी श्लोक में। कौन सी श्लोक हमने बताया, अंगानि यस्सु इंद्रियाणि यस्सु सकल इंद्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। हमारा जड़ जगत का सांप जो है ये आंखों के द्वारा सुनता भी है और देखता भी है, इसका सांप का नाम है उक्षिश्रवा। ये आंखों के द्वारा सुनता भी है देखता भी है, ये कैसे संभव। हाँ जड़ जगत में अगर ऐसा संभव है तो क्यों नहीं। अद्वैतम अच्युत मनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बताया, अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वेदों का भी अगम्य है, वेदों का भी अगम्य है, वेदों का अगम्य है मतलब समझा नहीं। कुछ देर पहले आपने बताया वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सुरोय, वेद और ईश्वर में कोई पार्थक्य नहीं है कि भगवान ही वेद रूप में प्रकट हुए, तो फिर ऐसा क्यों बताए वेदों का अगम। वेदों का अगम इसलिए बताया गया ये तमाम वेद पाठ करने का बावजूद आपको परम तत्व वस्तु समझ में नहीं आएगा, यू विल बी इन कंफ्यूशन। वेदों का अगम है, वेदों का अगम मतलब वेद पाठ करने के बाद भी लोगों को कंफ्यूशन हो जाता है, जान नहीं पाता। और वेद पाठ कितना आदमी किया है ऋषि मुनि, लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष रूप में जान नहीं पाए, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया कोई कोई। और वेदों का तो अनंत इतना शाखा बन गया कि मत पूछो, पहले तो ऋक्साम जोजू अथर्व, अभी ब्रांचेस हो गया ऋग्वेद का, इतना ब्रांचेस शाम वेद का यजुर्वेद का बहुत, क्योंकि आजकल का आदमी का अंदर में इतना क्षमता नहीं है, एक एक ब्रांच पढ़ने से भी पागल हो जाता है, असंभव है। सो अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेद पाठ करने का बावजूद यू कैन नॉट रियलाइज भगवान, लेकिन शुद्ध आत्मभक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को अनायास जाना जाए। भागवत में भी बहुत सारे ऐसा श्लोक है,
बहुत सारे हैं। बहुत सारे श्लोक है भागवत जी महापुराण इधर उधर बहुत सारे ऐसा श्लोक है। वहां बताया गया यद्यपि भगवान अजित है अथापि ते पदाम्बुज द्वयो प्रसादो लेस अनुग्रहित एव ही जानाति तत्यम भगवान महिमनो न च एक अन्यम ओपि चिरण विचिन्मन। अथापि ते पदाम्बुज द्वयो प्रसाद लेस अनुग्रहित एव ही जानाति तत्यम भगवान महिम। भगवान का कृपा के द्वारा अर्थात शुद्ध गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा भगवान को जाना जाए। बाकी पर्सनल चेष्टा के द्वारा बाय पर्सनल एफर्ट यू कैन नेवर नो, कैन नेवर नो। सो शुद्ध आत्मभक्ति, शुद्ध आत्मभक्ति में शुद्ध अनन्य भक्ति के द्वारा ये आदि पुरुष गोविंदो को जाना जाए और बाकी किसी के द्वारा जाना नहीं। कुंती देवी भी ये बताए, कुंती देवी जी ने भी यही बताया। जहां आपको कोई नहीं जान पाता, एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़कर कोई आपको जान नहीं पाता, संभव नहीं है। तो फिर वेदों का अगम्य है शुद्ध भक्ति के द्वारा जाना जाए। वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता। इनके नाम है अद्वैत ज्ञान तत्व, इनके नाम है अद्वैत ज्ञान तत्व, अच्युतो अनादि अनंत रूप आद्यो, ये सब सारे नाम है भगवान का पुराण पुरुष। अब ये हैरान की बात है, ये पुराण पुरुष है, आद्य पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्वकारण, इतना प्राचीन है कि गिनती में नहीं आता है। अनंत काल हिसाब किताब लगा लो फिर भी समझ में नहीं है भगवान का इतना अनादि है ना, फिर भी एक जैसा लगता है। नवो जौवनंचो अर्थात नवजुवन संपन्नो सुंदर पुरुष है। बड़ा हैरान की बात है, देखने में इतना सुंदर है भगवान का उम्र बढ़ता है। भगवान का हर लीला बचपन लीला ये भी नित्य है, भगवान का बचपन का लीला ये भी नित्य है, भगवान का हर लीला नित्य है, हर लीला। सो हर वक्त नवजौवन संपन्न सुंदर पुरुष, इनके तुलना कभी दिया नहीं जा सकता है, इनके तुलना कभी नहीं दिया जा सकता है, संभव नहीं है। सो कुंती देवी भी बताए, देखो प्रभु और देवावती मैया ने भी यही कही, मेरा जैसा एक जनानी एक माता कैसे आपको जान सकता है, सारे माया मोह में डूबे हुए हैं, अज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान छुपे हुए हैं। कुंती देवी भी ये कहता है, आपको कोई नहीं जान पाता, आप एकमात्रो आप निष्किंचन भक्त हो,
तम अकिंचन गोचरम, तम अकिंचन गोचरम। अब अकिंचन भक्तों के द्वारा विदित होते हो, बाकी आदमी आपको जान नहीं पाता। जन्म ईश्वर जो सुतो सीबी रे दुमान मदहपमान। कुंती देवी जी ने बताई, जन्म ईश्वर जो सुतो सीबी रे दुमान मदहपमान नैव अर्हति अभिधातुम वै तमकिंचन गोचर। जन्मों के द्वारा ऊंचा कुल के खानदान में जन्म जन्म ऐश्वर्य बड़ा वैभव, जन्म सुतो बड़ा विद्वान है, जन्म सुतो श्री भी देखने में बहुत सुंदर है। सो कुंती देवी जी ने बताई, जन्म ईश्वर्य सुतो श्री भी रेदमान मदहपमान। जन्म ईश्वर्य सुतो श्री के द्वारा आदमी एदमान माने उसका अभिमान स्फीत होता है, बढ़ जाता है अहंकार। अब कभी आपको जान नहीं पाता। जन्म ईश्वर जो सुतो सीबी रे दुमान मदहपमानो नैव अर्हति अभिधातुम वे तमकिंचन गोचरम। जो उपनिषद में बताया, जम एव ईश वृणीते तेन लभ्य। जिनको भगवान अपना, ए तू मेरा है, जिनको भगवान अपना बोल के ग्रहण करता है ना, ये तू मेरा है, इसी का जानकारी का विषय होता है, बाकी नहीं, बाकी का लिए नहीं। जम एव ईश तेन लभ्य, जम एव ईश वृणीते तेन लभ्य। जिसको वरण करता है, जो हम गायत्री में होता है सवितुर वरेण्यम, ये सब जो बताया, थोड़ा बहुत बताया, ज्यादा नहीं बताया, कि ज्यादा बताना निषेध है, हम कैसे बताएं, ये मंत्र है ना, ये हमारा मंत्रों को प्रकाश में बताना नहीं है, फिर भी महाप्रभु का आज्ञा है, गुरुवर्ग का आज्ञा है, किताब थोड़ा व्याख्या करना ही है। तो ये अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये जो वर्णन किया है, इसका विस्तृत रूप में जो व्याख्या है, ये अगले हफ्ता ही हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा समय के अभाव। आज यहीं अपना चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। भिद्दते हृदय गंति सिद्धन्ते सर्व संशय कियन्ते च कर्माणि दृष्टो नेवात्मनीश्वरी। वाचकल्पतरुषि के पास सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।